डायबिटीज के मरीज के लिए सबसे बेहतर आटा कौन सा है, वो किस आटे की रोटियां खाएं जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहे यानी वो बढ़े नहीं। दोस्तों आज दुनिया भर में भारत डायबिटीज मरीजों की गिनती में टॉप के देशों में शामिल है। ये बीमारी बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है, सबको चपेट में ले रही है। साथियों डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट्स हमेशा कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट की सलाह देते हैं, यानी ऐसी डाइट लेने की बात करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो। ऐसे में डायबिटीज के मरीज गेहूं, चावल और चीनी का सेवन बंद कर देते हैं और वो अक्सर इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि उन्हें रोटी की जगह आखिर क्या खाना चाहिए। ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। ऐसे में आज हम इस रिपोर्ट में आपको ऐसे ऐसे आटों के बारे में जानकारी देंगे जिसकी बनी रोटियां सेवन अगर करेंगे डायबिटिक पेशेंट तो जो उनका शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, वो कंट्रोल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों डायबिटीज से पीड़ित लोगों के पैनक्रियाज में पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशियंट मात्रा में जो इंसुलिन है उसका उत्पादन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहता, वो अनियंत्रित हो जाता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों को अपने खानपान का खास ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसे खानपान में बदलाव के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों डायबिटीज़ को कंट्रोल के लिए आप गेहूं के आटे की जगह नारियल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का आटा ग्लूटेन फ्री आटा होता है जो सूखे नारियल को पीस कर बनाया जाता है। इसमें गेहूं के आटे की तुलना में ज़्यादा कैलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं और ये हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसे कम करने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नारियल का आटा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी मौजूद होते हैं। नारियल के आटे के अलावा आप रागी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों रागी एक तरीके का सुपर फूड है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। रागी के आटे में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट गेहूं के आटे की जगह रागी के आटे से बनी हुई रोटियां खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज रागी के आटे से बनी रोटियों का सेवन यकीनी तौर पर कर सकते हैं। रागी के आटे के अलावा डायबिटिक पेशेंट बाजरा के आटे की बनी हुई रोटियों का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI काफ़ी कम होता है। साथियों ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार का स्केल है जिसकी मदद से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है वो मापी जाती है। इसकी मदद से शुगर के रोगी अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। बाजरे के आटे से बनी रोटियां लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के तहत आती हैं और ये आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इसके साथ ही ये वज़न घटाने में भी काफ़ी कारगर है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज बेझिझक बाजरा के आटे से बनी हुई रोटियों का खुले दिल से बड़े आराम से सेवन कर सकते हैं। बाजरे के आटे के अलावा डायबिटिक पेशेंट ज्वार के आटे से बनी हुई रोटियाँ भी खा सकते हैं। साथियों दरअसल ज्वार में भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा कम होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में पेशेंट की मदद करता है। ये एक प्रकार का मोटा अनाज है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट ज्वार के आटे से बनी हुई रोटियां आराम से खा सकते हैं। इससे मरीजों को शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बाजरा के अलावा बेसन से भी जो बेसन की रोटियाँ बनती हैं उनको भी डायबिटिक पेशेंट आराम से खा सकते हैं। इसमें हाई प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और डायबिटीज़ के अलावा ये हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, इस खतरे को भी कम करने में काफ़ी मदद करती है। साथियों एक और रोटी है जिसका आप सेवन कर सकते हैं, वो है बादाम के आटे की रोटी। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में पब्लिश एक रिपोर्ट की माने तो बादाम का जो आटा है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। बादाम के आटे में हाई प्रोटीन, लो कार्ब, हाई फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हाई एनर्जी लेवल बनाए रखने के साथ ही शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने तरह तरह के आटे और उनकी रोटियां जो डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं
जिससे उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने हमने रखी। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी का फायदा डायबिटिक पेशेंट ज़रूर उठाएंगे। आप इस वीडियो को लेकर के कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।